हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप करता है। इसमें होते हैं चार चेंबर्स, शेप होती है फिस्ट जैसी और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, चेस्ट में, ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बट स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। दो ओरिकल्स, दो वेंट्रिकल्स। ओरिकल्स या एट्रिया, सिंगुलर इज एट्रियम, सो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। और ये कहाँ खुलते हैं, ये खुलते हैं वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। टिप ऑफ द हार्ट इज एपेक्स। देन क्या है, वॉल्व्स बिटवीन द ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, इनको क्या कहते हैं, एवी वॉल्व। सो एवी वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी है। ये वन वे एंट्री डोर्स है। देन यहाँ पर जो आ रही है ये है वेना कावा, ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ये इम्प्योर ब्लड लेकर के आता है हार्ट के अंदर। ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड। इसकी जो ब्रांच लेफ्ट साइड पे जा रही है दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो इसकी ब्रांच राइट साइड पे जा रही है दैट इज नोन एज राइट पल्मोनरी आर्टरी। देन क्या है, पल्मोनरी वेन्स, हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और प्यूरिफाई होकर के वापस आता है हार्ट में। प्यूरिफाई होकर के जो वापस लेकर आती है वेन्स, उनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। दो वेन्स जो है वो लेफ्ट लंग से प्योर ब्लड लेकर के आ रही हैं, दो वेन्स जो है वो राइट लंग से प्योरिफाइड ब्लड को लेकर के आ रही हैं और डाल रही हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी प्योर ब्लड, बाकी की सारी वेन्स जो है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को। ये जो है यहाँ पर नजर आ रहा है एओर्टा, जो कि हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। काम कैसे करता है हार्ट, कार्डियक साइकिल के थ्रू करता है। तीन फेजेस है जॉइंट डायस्टोल, जब चारों के चारों जो खाने हैं या चेम्बर है वो रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि डायस्टोल जो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है रिलैक्सेशन। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रेक्शन, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें दोनों वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे काम करता है हार्ट, इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पर राइट ओरिकल में, और यहाँ पर प्योर ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स और आता है प्योर ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। जॉइंट डायस्टोल में ये जो एट्रिया है ये ब्लड से भर जाएंगे। अब अगला फेज क्या है, ओरिकुलर सिस्टोल, ओरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ब्लड जो है उसको पुश कर देंगे। सो एवी वॉल्व्स खुलेंगे और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड आ जाएगा। अगला फेज क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ये सेमी ल्यूनर वॉल जो है उनके खुलने से। और ये जो एवी वॉल्स हैं ये हो जाएंगे बंद दोनों साइड पे टू प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड। सो अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर के जाएगी लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, पल्मोनरी वेन्स वापस लेकर के आएंगी। इसी तरह से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है वो भी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के खुलने से चला जाता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा जो इसको सप्लाई करता है बॉडी टिश्यूज तक। जब ये जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ये भी बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए बंद होते हैं, तो यहाँ पर होती है सेकेंड साउंड। एवी वॉल्व्स के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने से सेकेंड हार्ट साउंड, और इसका मतलब ब्लड जो है वो दो रूट्स के अंदर सर्कुलेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको लेकर के चलेगी लंग्स में, लंग्स से फिर से पल्मोनरी वेन्स उसको वापस लेकर आएंगी और आ जाएगा ब्लड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यानी कि ये जो सर्कुलेशन है जिसमें जो है ब्लड वो जा रहा है हार्ट टू लंग्स बैक टू हार्ट, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी क्या है, यहाँ पर जो है
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड वो एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या होगा ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, ये जो ब्लड है ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये वापस आएगा हार्ट के अंदर, यानी के मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड देन बैक टू हार्ट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम इस फ्लो चार्ट से भी हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो समझ सकते हैं, जैसे कि बॉडी टिश्यू से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ये जो है इम्प्योर ब्लड ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो है ये चला गया लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में अब ये प्योरीफाई होगा, प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेट होके वापस आएगा, कहाँ आएगा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये जो सर्कुलेशन है जब ब्लड जो है वो हार्ट से गया लंग्स में एंड देन बैक टू हार्ट, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरह से ये जो प्योर ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अब लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में जाएगा, जहाँ पर ये जो है अपनी ऑक्सीजन दे करके फिर से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, और अब ये वापस आएगा राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ये जो सर्कुलेशन है जब जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी टिश्यूज में गया एंड देन बैक टू हार्ट आया, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो हार्ट टू लंग्स बैक टू हार्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड देन बैक टू हार्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। द काइंड ऑफ सर्कुलेशन जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट में दो बार जाता है इन वन साइकिल, उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे फिश हो गई, उसके अंदर क्या है सिंगल सर्कुलेशन, एक बार जो ब्लड है वो हार्ट में आया, हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजनेट होके एज सच वहां से ही बॉडी टिश्यूज के अंदर चला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो बॉडी की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। मैमल्स या बर्ड्स जिनके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है उनके अंदर जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। वीडियो के इस सेक्शन में हमें ब्लड का रूट पता लग रहा है। पहले सेगमेंट में क्या है, लंग्स से प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेट होके ये प्योरीफाइड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। दूसरे सेगमेंट में क्या है, बॉडी टिश्यूज से डी ऑक्सीजनेट होके ये इम्प्योर या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो पहले सेगमेंट में क्या हो रहा है, लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेकर के जाती हैं टुवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड दोनों में ब्लड का फ्लो जो है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, यानी कि दोनों साइड्स में साथ साथ ब्लड का फ्लो जो है वो होता है। और हार्ट की जो वॉल्स हैं वो कौन सी मसल्स की बनी होती हैं, कार्डियक मसल्स की। ये कार्डियक मसल्स जो हैं इनका एक स्पेशल फीचर होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। इसीलिए थ्रू आउट अवर लाइफ ये जो हमारा हार्ट है ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, यानी कि काम करता रहता है। तो ये रही ह्यूमन हार्ट की रिविजन, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।